हेलो माय स्टूडेंट, क्लास फिजिक्स चैप्टर हो गया थर्मल फिजिक्स और उसमें भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड परफेक्ट गैस इक्वेशंस। और ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा काइनेटिक गैसेस से जुड़ा हुआ और ये AIEEE 2005 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग अपने पहले बनाइएगा, जब नहीं बनेगा तब इसके आंसर को देख के समझ लीजिएगा। तो देखा जाए इसका एनालिसिस के साथ कैसे बनाया जाता है। तो इसका है कि जो पहला गैस है उसका दिया हुआ है W1, पहला गैस का W1 है 16 ग्राम, और इसका जो N1 निकलेगा वो होगा W1/M1। तो हीलियम का होता है 4, और यहाँ पर जो गामा होगा, चूंकि ये हीलियम गैस मोनोटोमिक गैस है तो इसका गामा 5/3 होता है, याद रखिए इसको। और W2 जो है सेकंड गैस का वो 16 ग्राम है, और इसका जब N2 निकालेंगे तो आएगा W2/molecular weight। तो वेट हो गया 16 डिवाइडेड मोलिकुलर वेट, ऑक्सीजन डायटोमिक है 32, और ये आ गया काट करके हाफ, और ये काट के हो जाएगा 4। और γ1 ये आंसर है, और γ2 जो है चूंकि ये ऑक्सीजन गैस है डायटोमिक है तो इसका होता है 7/5। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही लिखेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U1+U2 = U, और U हम लोग जानते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हमेशा होता है nCVT, और CV का आंसर होता है R/γ-1। कैसे? तो CP-CV R CP/CV γ, ये दोनों को सॉल्व कीजिए तो CP CV निकल जाएगा, वही सीधी कारण से इतना पुट कर दिए आर आर गामा के टर्म में। और यहाँ पर जो भी आंसर होगा NRT/γ-1 होगा, NRT N1 RT γ1-1, N2 RT γ2-1, और यहाँ नंबर ऑफ मोल N1+N2 टोटल हो गया N मोल के जगह RT रहेगा, अब मिक्सर का γ1। आरती कट गया N1+N2/γ-1, और यहाँ हो गया N1/γ-1 N2/γ2-1, अब पुट कर देंगे N1 का जगह है 4 और N2 की जगह है हाफ, डिवाइडेड बाई गामा नहीं मालूम है, N1 का जगह हो गया 4 मोल और γ1 हो गया 5/3 -1। अब प्लस N2 क्या है तो हाफ है और डिवाइडेड बाय γ2 हो गया 7/5 -1, अब ये हो जाएगा 9/2। तो इस स्टेप को इधर दिखा देते हैं, आ जाएगा ये 4 × 2 = 8 + 1 = 9/2, तो 9/2 whole divided by γ-1। इधर में आ गया ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 4 × 3, और ये 5 − 3 = 2 हो जाएगा, प्लस में फिर ये 5 ऊपर जाएगा तो ½ × 5 डिवाइडेड बाई 7 − 5 = 2 हो गया। ये आंसर आ जाएगा γ-1 9/2, और ये 4 × 12 कट के 2 से 6 हो गया, और ये 5/4 हो गया, और ये हो गया कितना, तो 6 × 24 = 5 29/4। और इसको लिख सकते हैं कि क्रॉस कर दे रहे हैं
आ जाएगा गामा माइनस वन इंटू 29 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 4 और ये आ गया दो कट गया तो 18 हो गया तो यहाँ गामा माइनस वन निकल गया 18/29 और इसके बाद वन उधर ले जाएंगे तो 18/29 प्लस वन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 और 8 17 एक और यहाँ आगे देती है 4 47/29 अब इसको डिवाइड करेंगे तो 29 से डिवाइड करेंगे 47 को तो देखते हैं क्या हो रहा 29 और 47 एक बार में गया 17 में से 9 गया 8 या 3 में से 2 गया 1 और डेसिमल जाएगा 0 देंगे और देखते हैं कितना से जाएगा तो मान लीजिए इसको हम 5 से लेके जाके देखें क्या हो रहा है तो 5 में हो रहा है 9 बजे 45 का 5 4 बज गया 15 14 145 तो ज़्यादा है तो 6 से ट्राई कीजिए अभी जब 6 से करेंगे तो 9 6 54 और 5 6 12 5 17 तो 174 तो यहाँ हो गया 4 तो ये 6 से गया 1.6 और अगर भाग देना है तो दे सकते हैं लेकिन इतना से ही तो आउटकम्स निकल गया कि ये रेंज पहुँच रहा है फिर भी भाग दे देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0 और फिर यहाँ पर 1 जाएगा तो 29 यहाँ 1 और हमको 2 डिजिट तक चाहिए तो डिवाइड करेंगे 3 डिजिट तक यहाँ कुछ नहीं बने 0 है यहाँ 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ पर 0 समझा जाएगा तो 2 डिजिट का आंसर निकालने के लिए तरीका है कि 3 डिजिट तक डिवाइड कीजिए और लास्ट वाला नंबर अगर 5 6 7 8 9 रहेगा तो बढ़ा देंगे तो देखते हैं भाग देंगे क्या होता है लिख दिए और अब 29 है और यहाँ इतना लिखा हुआ है अगर 4 से करते हैं तो 9 6 36 3 4 8 3 11 116 हो रहा है थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है मैंने 3 तक जाएगा ऐसा है तो ये आ रहा राउंड में 1.61 तो 1.61 आया और यहाँ पर है 1.62 तो चलिए राउंड में काम करेगा वो तो इस तरह से राउंडिंग कर दिए इसको हम 2 डिजिट में क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया इसीलिए और यही इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट और अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो थोड़ा आप लोग चेक कर लेंगे जैसे हम एक बार चेक कर देते हैं अगर ये 16 है मुल्कों में 4 होता है तो 4 आ गया 16 32 है हाफ आ गया और यहाँ पर 5/3 है और ये आपका लिखा हुआ है डायटमी का 7/5 और इसका आ गया 9/2 घास 4 3 12 हो गया और 2 आया और यहाँ पर हाफ 5 ऊपर गया यहाँ हो गया 2 तो 6 4 3 12 2 कट गया 6 आया 5/4 आया 6 6 24 5 29 आया 4 आया फिर यहाँ पर क्रॉस कर दिए तो 29 इंटू गामा सम हो गया और ये 9/2 इंटू 30 हो गया दोनों कट के 9 18 हो गया तो 18/29 हो गया ये 1 इधर आया दोनों ऐड कर दिए 9 8 17 आया लेकिन 1 4 47 आया चलिए ठीक ही है तो जस्ट क्रॉस चेकिंग कर रहे थे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह इसको प्रैक्टिस करते रहिए बनाते रहिए और मेन कॉन्सेप्ट यही है और इसी पर ही एक क्वेश्चन बना ओके सी यू अगेन बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय